हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है रैशनल नंबर का एक्सरसाइज 1F उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इस एक्सरसाइज में आरएस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1F का है, तो इसमें दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने का तरीका सीखना है। तो दो रैशनल नंबर जैसे कि अगर मान लेते हैं ए है और एक बी है, तो किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स निकल सकता है। उसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि एक रेशनल नंबर ए है, दूसरा रेशनल नंबर बी है, उसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला जो होगा वो हाफ इंटू ए प्लस बी, यानी इन दोनों रेशनल नंबर को एड कर देना है, उसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में अगर दो रैशनल नंबर अगर निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला हाफ ए प्लस बी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं कि अगर 2/3 है और -4/5 है, इसके बीच में अगर हमको कोई भी रैशनल नंबर निकालना है, एक निकालना है, दो निकालना है, तीन निकालना है, कितना भी रैशनल नंबर अगर निकालना है, तो उसके लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट रैशनल नंबर अगर निकालना है तो क्या करेंगे, हाफ ए प्लस बी, यहाँ पे ए के जगह पे क्या है 2/3 और बी के जगह पे क्या है -4/5, ठीक है। तो ये हो गया, तो हाफ ये यहां से हो जाएगा 2/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4/5, ठीक है। तो हाफ 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, 3 और 5 का एलसीएम 15, तो 5 2 10 माइनस, और ये 5 3 15 तो 4 3 12, तो हाफ इंटू ये हो जाएगा -2/15, तो -2/2 से ये 2 कटेगा तो ये आ जाएगा -1/15। एक रैशनल नंबर जो है वो इन दोनों के बीच में ये आ जाएगा। अगर उसी तरह से अगर हमको दूसरा रैशनल नंबर अगर निकालना है, तो क्या कर देंगे, वही फॉर्मूला यही यूज करना है। अब क्या कर देंगे, हाफ ये जो रेशनल नंबर आया है इसके और इसके बीच में निकाल देते हैं, तो हाफ 2/3 प्लस ये -1/15, ये कर देंगे हाफ, तो यहां से ये 2/3 -1/15 ये हो गया। तो 3 और 15 का एलसीएम 15, तो 3 5 10 -1, तो हाफ इंटू 9/15, तो 3 3 9 3 5 15 दिया जाएगा 3/10, तो दूसरा रेशनल नंबर ये आया। फिर अगर थर्ड रेशनल नंबर निकालना है, इसके और इसके बीच में निकाल देंगे, फोर्थ निकालना है इसके इसके बीच में निकाल देंगे। इस तरह से अगर किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर दो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसके बीच में कितना भी रेशनल नंबर निकालने के लिए बोलेगा, तो हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए। जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में निकालना था, तो एक बार हाफ इन दोनों का सम इससे ये आया, फिर दूसरा निकालना था तो इसके और इसके बीच में निकाल दिए, तीसरा निकालना है तो इसके इसके बीच में निकाल देंगे, फॉर्मूला यही इस्तेमाल करते हुए। चौथा निकालना होगा इसके इसके बीच में निकाल देंगे, इसके इसके बीच में निकाल सकते हैं, फॉर्मूला वही यूज करना है, और इस तरह से इनफाइनाइट रेशनल नंबर जो है वो निकाला जा सकता है। तो इस बेसिस पे एक्सरसाइज 1F जो है वो आप लोग बना लीजिए और प्रॉब्लम होने पर पूछिए। थैंक यू।